वीडियोस और टीवी सीरियल्स के बाद अब मिस्टर इंडिया विवान भतेना नजर आएंगे बिग स्क्रीन पर, और वो भी शाहरुख खान के साथ। विवान के लिए यह एक सुनहरा मौका बॉलीवुड में कदम बढ़ाने का। विवान भतेना ने फिल्मों में आने के लिए काफी सब्र किया है, और उनके सब्र का फल उन्हें मिला तो यश राज जैसा बड़ा बैनर। विवान के साथ फिल्म चकदे में कई सारे नए एक्टर्स नजर आएंगे, और इतने सारे एक्टर्स में विवान का किरदार क्या है? मैं छोटा सा रोल कर चुका हूँ चकदे में, इट्स गोना बी आउट मेबी दिस ईयर सम टाइम, एंड अ वेरी वेरी स्मॉल टाइनी कैमियो, बट होपफुली आई गेट नोटिस्ड एंड इट डज सम गुड फॉर मी एंड एट लीस्ट ऑन द बिग स्क्रीन। विवान ने अपनी करियर की शुरुआत फाल्गुनी पाठक के म्यूजिक वीडियो से की थी, और फिर उन्होंने जीता मिस्टर इंडिया का खिताब। आमतौर से इस तरह के कॉम्पिटिशन जीतने के बाद बॉलीवुड में एंट्री मिलना काफी आसान होता है, पर विवान को इसके लिए काफी पापड़ बेलने पड़े, और अब वो नजर आएंगे चकदे में। We're on the big screen, we're going to be doing some fashion events, all the stars and all do walk down for in the fashion week and you know, so I think it's a mix of both, healthy mix of all three in fact, and if you do well in one field, you're recognized in the other. एक तरफ यशराज जैसा बड़ा बैनर और दूसरी तरफ किंग खान के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने का मौका, तो जाहिर सी बात है कि विवान फूले नहीं समा रहे होंगे। इट्स अ प्लेजर वर्किंग विद यशराज फिल्म्स एंड आई होप आई वर्क विद देम अगेन। किंग खान के साथ तो बहुत मैंने काम नहीं किया, बट unfortunately I didn't get to work with him, I was working with Sagrika, she's a newcomer and meri story uske sath hai, she's one of the girls in the hockey team and uski ek alag story hai, sab ki choti choti stories hai, usme se ek story meri thi। Music video, television serial aur ab filmein, Vivaan ke in kadmon ko dekhte hue yahi lagta hai ki wo kachhue ki chaal chalkar race jeetna hi chahte hain। Manali Kamath, Zoom, Mumbai।